नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको जिनका भी इंटरव्यू लें उनकी सूचनाएं मिलती रहें। आज इस कोरोना के संकट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित हुई है तो वो है पढ़ाई। छोटे छात्रों की पढ़ाई, बड़े छात्रों की पढ़ाई, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रभावित हुई है। आज हमारे साथ पांडे क्लासेज के डायरेक्टर ब्रजेश पांडे जी होंगे। आज हमारे साथ ब्रजेश पांडे से हमारी सहयोगी चांदनी साहू बातचीत करेंगे कैसे छात्रों का करियर आगे बढ़े। पांडे जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, इसमें छात्र भी बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो ये छात्रों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आप इसके बारे में बताइए। जी मैडम, आपने क्वेश्चन अच्छा किया। देखिए, शिक्षा में जो है कोरोना महामारी जो आई है, ये शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा व्यवधान बन के आई है और इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो अगर शिक्षा प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे IIT का एग्जाम देने जा रहे हैं, NEET का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अगले साल बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये समय बहुत तेजी से खराब होता चला जा रहा है। और इस समय उनको चाहिए कि वो धैर्य से अगर रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि सामूहिक रूप से क्लास उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, अगर वो धैर्य से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका करियर पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास चलती है और ऑफलाइन क्लास चलती है, इन दोनों में सबसे ज्यादा सुविधाजनक कौन सी क्लास होती है आपकी नजर में? देखिए मैडम, ऐसा है कि ऑफलाइन क्लास तो वास्तव में सुविधाजनक होती है, उसमें बच्चों का शिक्षक से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है और जब तक बच्चों का शिक्षक से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है तब तक पढ़ाई में वो थीम नहीं आ पाती है। तो पढ़ाई करने के लिए तो बच्चों को शिक्षक के सामने ही होना होता है, उसमें तो ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास भी बेहतर है, अब जैसे कि संकट का दौर आ गया, इस समय ऑनलाइन क्लास भी बेहतर है। अब वो सबके अपने अपने चलाने के तरीके पे भी डिपेंड है कि कौन कैसे चला रहा है। और ऑनलाइन क्लास में बच्चों का रिस्पांस क्या आता है आप उनकी तरफ से, क्या कुछ ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा आ पाता है या ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा आ पाता है छात्रों को? नो डाउट ऑफलाइन में बच्चों का ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन ऑनलाइन में भी खराब नहीं होता है। ऑनलाइन में भी कुछ खराब नहीं होता उनका, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हम अपने कोचिंग की बात करें तो यहाँ से 9th के ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं, 9th क्लास से पढ़ते हैं, वो बच्चे बड़े होते हैं, वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। बस ये है कि ऑनलाइन में थोड़ी सी असुविधा उनको होती है कि जैसे नेट की प्रॉब्लम हो गई, और जैसे कि ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ऐप पे चल रहा है, तो वो लाइव क्लास होती है तो वहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी अपना पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास में बैठे होते हैं तो एकदम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, खड़े होकर पूछ लेते हैं, वहां नहीं हुआ तो उसमें चैट के माध्यम से पूछते हैं, चैटिंग करके पूछते हैं, तो ये दोनों में अंतर होता है। जैसे कि हर कुछ प्रभावित है इस कोरोना से और हर बच्चे के माँ बाप डरे हुए हैं अपने बच्चों को करियर को लेकर, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, अभिभावक का डरना वाजिब है, उनको डरना चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य उनके लिए पहले प्राथमिकता के तौर पे है। लेकिन अभिभावक से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि ऑफलाइन क्लास अगर नहीं कर पा रहा है बच्चा, नहीं हो पा रही है, तो वो ऑनलाइन क्लास की तरफ जाएं, ऑनलाइन क्लास अपने बच्चे को ज्वाइन कराएं और अपने प्रॉपर देख रेख में उसको ऑनलाइन क्लास करवाएं। और ऑनलाइन क्लास वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, ऑनलाइन टेस्ट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उस पर उनको प्रॉपर निगरानी रखनी चाहिए। अगर गार्जियन प्रॉपर निगरानी रखेगा तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ऑनलाइन क्लास बच्चे कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि आगे आने वाली चुनौतियों में छात्र पीछे रह जा रहे हैं, उनका काफी कोर्स पीछे रह जा रहा है, तो वो आगे उनके जीवन में जो भी चुनौती आ रही है उनसे वो काफी पीछे हो जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि देखिए, ऑनलाइन ये मतलब कि कोरोना महामारी के समय में बच्चे पीछे तो हो रहे हैं, लेकिन पीछे वही हो रहे हैं जो ऑलरेडी निष्क्रिय अवस्था में है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो सक्रिय है, जो बच्चे सक्रिय हैं, वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, फोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो टीचर से जुड़े हुए हैं,
उनकी जो प्रॉब्लम है वो फोन करके पूछ रहे हैं, क्लास डेली रेगुलर ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बच्चे ऑलरेडी आगे जा रहे हैं। लेकिन जो निष्क्रिय अवस्था में स्टूडेंट है वो निश्चित तौर पे वो पीछे जाएगा और वो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वो पीछे होता चला जाएगा। अभी हाल ही में 10th और 12th का रिजल्ट आया है, उन बच्चों के करियर को लेकर आप क्या कहेंगे? उनका करियर किस ओर जाएगा? जैसा कि सारी पढ़ाई तो बंद है, तो उनका उनके करियर को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे 10th और 12th का रिजल्ट आया है, अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, उसमें हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, अपने करियर को चुने, मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, सिविल की तरफ जाना चाहता है, तो अपने करियर को चुने और उचित समय पर, सही समय पर वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर दे। कोरोना के चक्कर में इस समय तो मान लीजिए देर हो रहा है, लेकिन अगली परीक्षा नहीं देर होनी है। अगर वो सही समय पे उचित निर्णय लेकर के पढ़ाई नहीं शुरू कर देता है तो जब वो पढ़ाई शुरू करेगा तब तक उसको बहुत देर हो चुकी होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में उसको पढ़ाई अपना सही समय पर तुरंत तत्काल शुरू कर देना चाहिए। और इस मुश्किल की घड़ी में पांडे क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर क्या क्या तैयारियां आप इसको बताएं? जी देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम भी ऑनलाइन क्लास, पांडे क्लासेज भी ऑनलाइन क्लास शुरू किया है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, और ऑनलाइन क्लास में हमने जो व्यवस्था दिया है, लाइव क्लास दिया है। लाइव क्लास में मतलब टीचर क्लास में खड़ा होकर यहाँ पढ़ाता है, बस बच्चे क्लास में नहीं रहते, वो अपने घर पे रहते हैं, लेकिन वहां पे उनको सारी सुविधा है। वो चैट के माध्यम से तुरंत तत्काल अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कुछ समय भी नहीं हो पाया तो बाद में टीचर से फोन करके पूछ सकते हैं अपने, मतलब जो भी प्रॉब्लम उनको हुई। क्लास के बाद उसमें जितने भी असाइनमेंट होते हैं कोचिंग के, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए, प्री फाउंडेशन के लिए, 9th 10th क्लास के लिए जो भी असाइनमेंट होते हैं, सारे के सारे हमारे ऐप पे अपलोड है, वो बच्चे वहां से ले सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल उस पर अपलोड है जो बच्चे वहां से ले सकते हैं। और हर संडे टेस्ट होता है, हर संडे ऐप पे टेस्ट होता है, एकदम निर्धारित समय पे टेस्ट होता है, उसी समय पे सारे बच्चों को टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के 2 घंटे बाद उनका रिजल्ट उनको मिल जाता है और वो रैंक वाइज मिलता है उनकी क्या स्थिति है। तो ऑनलाइन क्लास में हमने जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास चल रही थी उसी तरीके से ऑनलाइन में भी सारी व्यवस्था हमने दिया है, तो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, उसमें टेस्ट दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं टीचर से। हमारी डिस्कशन क्लास चलती है, डिस्कशन क्लास 3 घंटे 4 घंटे की होती है, तो उसमें बच्चे सब लाइव रहते हैं, जिनका जो क्वेश्चन नहीं आया वो क्वेश्चन अपना चैट करके पूछे और तुरंत टीचर बोर्ड पे सॉल्व करता है, वो अपने घर में बैठे ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ सकते हैं। जैसा कि छात्र अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मतलब हर छात्र के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो क्या आने वाले समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो परीक्षाएं होनी है वो संभव हो पाएंगी? देखिए, सरकार ने तो घोषित कर दिया है, डेट भी घोषित कर दिया है, सितंबर में परीक्षा कराएंगे, सितंबर में परीक्षा होने जा रही है। और अब ये बच्चे, ये तो सही कहा आपने कि कुछ बच्चों के साथ ये समस्या है, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो नेट नहीं है, ये समस्या उनके सामने है, तो वो बच्चे तो इसमें पीछे हो रहे हैं। लेकिन परीक्षा की बात है तो परीक्षा तो अपने समय के सितंबर में होने जा रही है। जो बच्चे अब इसमें नजदीक हैं, नेट में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर से कांटेक्ट में बने हुए हैं, वो आगे जाएंगे, और जो नहीं है, निष्क्रिय होकर गांव लौट गए हैं, वो तो हमें लगता है पीछे हो जाएंगे। पहले फाउंडेशन कोर्स चलता था, अब उसके लिए क्या क्या तैयारियां, बच्चे क्या क्या तैयारी करें उसके लिए आप कुछ बताएंगे? जी, फाउंडेशन कोर्स इस समय भी चल रहा है, अभी पहले फाउंडेशन कोर्स चलता था, ऑफलाइन चलता था, लेकिन इस समय भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। 11th क्लास के लिए भी फाउंडेशन कोर्स, जैसे हम अपने यहाँ बताएं तो ऑनलाइन क्लास 11th क्लास के लिए भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 12th क्लास के लिए भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है, जो एक्टिव स्टूडेंट है वो जुड़ गया है, पढ़ना शुरू कर दिया है, और उनके लिए पूरी प्रॉपर तैयारी की गई है। उनको स्कूल बोर्ड की तैयारी के साथ साथ हम लोग कंपटीशन की, IIT की, नीट की, NDA की भी तैयारी करवा रहे हैं, और उनके बोर्ड की भी तैयारी करा रहे हैं, टेस्ट भी हम लोग जो ले रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से ले रहे हैं। अभी आप
अभी कोरोना काल में कोचिंग का जो कारोबार है बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी, कोरोना काल में कोचिंग का कारोबार प्रभावित क्या है, आप कह सकती हैं कि ये थमसा गया है। अब इस समय केवल ये है कि जैसे हम लोग हमेशा से जिले में अग्रणी रहते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जिले में आगे रहते हैं, टॉपते रहते हैं, और हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि प्रयागराज जिले का नाम रोशन हो, बच्चे करेंगे ही, तो इसके लिए हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं कि ऑनलाइन ही जुड़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। और अभी समय तो केवल उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हमारे शहर का रिजल्ट अच्छा हो, बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। और धंधा की बात है तो ये धंधा तो खत्म सा हो गया है कोरोना काल में। देख रहे हैं कोरोना के कारण, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेली इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो ऐसा क्या नया ट्रेंड लाया जाए जिससे छात्रों को सुविधा हो, उनकी पढ़ाई को लेकर सुविधा हो सके? अब इसमें तो ट्रेंड केवल एक ही है मैडम, कि वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ें, घर पे रह करके पढ़ें, और अपना जो भी उनका प्रॉब्लम हो ऑनलाइन डिस्कशन करें, टीचर से फोन के माध्यम से डिस्कस करें, और अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को भी वो ध्यान में रखते हुए कोरोना से भी बचें, कोरोना से बचें, लेकिन अपने करियर के प्रति भी सतर्क रहें, पढ़ाई भी करते रहें। और उसके लिए केवल मात्र हमारे हिसाब से एक ट्रेंड है ऑनलाइन। सबसे बड़ा सवाल छात्रों के सामने ये आता है, जब वो कोचिंग का चुनाव करने जाते हैं तो सबसे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो कौन सी कोचिंग का चुनाव करे, क्या क्या सुविधा देखकर चुनाव करे, तो आपकी राय क्या है उन बच्चों के लिए? जी देखिए, कोचिंग का चुनाव करने के लिए बच्चों को और अभिभावक को दोनों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि कोचिंग कौन सी है, कोचिंग रजिस्टर्ड है कि नहीं है, पहले तो इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि कोचिंग में पढ़ाने वाला शिक्षक कौन है, शिक्षक अच्छा है कि नहीं है, केवल बैनर पोस्टर देख करके जाके कोचिंग ज्वाइन कर लिए, उनका पैसा बर्बाद हो गया, बाद में कहेंगे कि वो कोचिंग गड़बड़ थी। कोचिंग गड़बड़ नहीं थी, उनका चुनाव ही गड़बड़ था। तो बच्चों को, अभिभावक को कोचिंग का चुनाव करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वहां पढ़ाने वाला शिक्षक कौन सा है और किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, कोचिंग का पिछला रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट पिछले सालों का क्या रहा है, और कोचिंग का स्टडी मटेरियल क्या है, उसका असाइनमेंट क्या है, उसका टेस्ट कराने का तरीका क्या है, टेस्ट होता भी है कि नहीं होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक को और शिक्षक को कोचिंग का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे प्रतिभावान छात्र हैं, आप देखते हैं वो आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो इसमें पांडे क्लासेस क्या स्पेशल सुविधा उन बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहा है? जी मैडम, देखिए ऐसा है कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं और गरीब हैं, उनको मैं आपको बता दूं, मैं विगत कई वर्षों से निःशुल्क पढ़ाता हूं, उनसे मैं कोई फीस लेता ही नहीं हूं। इसके साथ साथ जो जितने स्कूल हैं, वो चाहे जहां की स्कूल हो, उसमें जो टॉप फाइव बच्चे होते हैं मेरिट लिस्ट में, स्कूल के जो टॉप फाइव बच्चे हैं, वो गरीब हैं तब भी या अमीर हैं तब भी, उनको हमारा संस्थान 100% स्कॉलरशिप देता है। और जो आर्थिक आय से कमजोर हैं, उनको हमारी एक सोसाइटी है पांडे एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, वो उनकी पूरी आर्थिक मदद करती है, उनको स्कॉलरशिप देती है और संस्थान उनको निःशुल्क पढ़ाता है। जैसा कि पांडे क्लासेस प्रयागराज में बहुत फेमस कोचिंग है, तो आपने क्या सोचकर इस कोचिंग की नींव रखी, आपका उद्देश्य क्या था इसके पीछे? देखिए मैडम, ऐसा है कि हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। कोचिंग खोलने का उद्देश्य जो था वो मिस्टर एससी पांडे सर का था। एससी पांडे सर फिजिक्स के टीचर हैं और उन्हीं के नाम पे ये कोचिंग है, पांडे क्लासेज उन्हीं के नाम पे है। और आपको बताएं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए उनसे बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, जिसको कहीं फिजिक्स नहीं समझ में आती, वो एससी पांडे सर से फिजिक्स पढ़ने जरूर आता है।
और उनका कोचिंग खोलने का जो उद्देश्य था, उनका कोचिंग खोलने का उद्देश्य मात्र एक था कि विद्या धन का दान करना। वो विद्या धन को दान करना चाहते थे, उनका उद्देश्य धन अर्जन का नहीं था। हमारे यहाँ आप अभी पता करेंगे, आप हमारा प्रोस्पेक्टस देखेंगे या ऑनलाइन सब कुछ है, इस समय ऑनलाइन आप देखेंगे तो हमारे यहाँ फीस बहुत नामजल है। फीस हम उतना ही लेते हैं जितने से कर्मचारी को बैलेंस किया जा सके, शिक्षक को पेमेंट दिया जा सके, उतनी ही फीस में बच्चों को लेता हूँ। हमारे मतलब पांडे सर का केवल उद्देश्य ये था कि सब पढ़े और सब पढ़े। यहाँ पांडे क्लासेस से आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं वापस गया जो ये कहे कि मैं फीस के कारण वापस चलाया, मैं पढ़ नहीं पाया। एक एक से बच्चे हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। हम आपको बताएं कि जो इलाहाबाद में रहने की स्थिति में नहीं थे लेकिन पांडे क्लासेज ने उनको पढ़ाया और आज वो कई लाखों के पैकेज पे हैं, काम कर रहे हैं, कई ढेर सारे आईएएस हो गए हैं। लेकिन जब वो पढ़ने आए थे तो उनकी स्थिति वो नहीं थी, वो पढ़ने की स्थिति में नहीं थे। तो संस्थान पांडे सर का खोलने का, पांडे क्लासेज को स्थापित करने का केवल उद्देश्य यही था कि हम विद्या धन का दान करेंगे, धन अर्जन करने के लिए कोचिंग नहीं खोली गई थी। अब इस समय ढेर सारी कोचिंगें आपको दिखेंगी जिनका उद्देश्य मात्र होता है धन अर्जन करने का। उनके यहाँ ना तो मास्टर होता है, मास्टर की क्वालिफिकेशन पता करेंगे, पता चलेगा इंटर में है और इंटर वालों को ही पढ़ा रहा है और कोचिंग का नाम लिख करके बैठ गया है। तो कोचिंग हमारे संस्थान का उद्देश्य नहीं था। हमारे संस्थान का उद्देश्य केवल यह है कि हमारे जिले का नाम रोशन हो, बच्चों का नाम रोशन हो, उसके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा, संस्थान का भी नाम रोशन होगा। तो पांडे सर को कोचिंग खोलने का मात्र यही उद्देश्य। जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं हमारे प्रयागराज में, तो आपकी कोचिंग कौन कौन से अलग कोर्सेज चलाती है जिससे बच्चे आकर यहाँ पे एडमिशन ले सके? मैडम देखिए, ऐसा है कि कोचिंग अलग से तो कोई कोर्स नहीं चलाती है, लेकिन सबसे डिफरेंट चलाती है। हमारे यहाँ 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए प्री फाउंडेशन कोर्स चलता है जिसमें उनको 9th 10th स्कूल के साथ साथ कम आगे आने वाले कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, और 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी क्लास चलाई जाती है। उसमें 11th और 12th क्लास के बच्चों को स्कूल की तैयारी के साथ साथ, बोर्ड की तैयारी के साथ साथ, हम आने वाले कंपटीशन IIT NEET NDA की तैयारी कराते हैं। 12th पास होने वाले बच्चों के लिए IIT NEET और NDA का टारगेट बैच चलाते हैं। यही क्लास हमारे यहाँ चलता है और ये अलग नहीं है, नॉर्मल सब लोग चलाते हैं, लेकिन सबसे डिफरेंट चलाते हैं। सिलेक्शन रेट हमारा बताता है कि सबसे हम बेहतर चलाते हैं, और सिलेक्शन रेट इस साल का नहीं, विगत कई वर्षों का आप उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में कोचिंग में मेहनत किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के साथ शिक्षक लगे रहते हैं, यहाँ की पढ़ाई प्रॉपर ढंग से होती है और टेस्ट प्रॉपर वे में होता है, असाइनमेंट टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्रॉपर वे में दिया जाता है, उसी कारण से ये रिजल्ट आता है। इस कोरोना के काल में सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं, तो आप एक कोचिंग संस्थान के निदेशक होने के नाते उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो डरे ना, आगे की तैयारी किस प्रकार करें? देखिए, उसमें हम अभिभावक से ये कहना चाहेंगे कि कोरोना का जो समय चल रहा है इसमें वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, घर के बाहर बहुत घूमने न दें, लेकिन उनके करियर के प्रति भी अलर्ट रहें, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो ऑनलाइन ही पढ़ें, टीचर का नंबर उनके पास है, टीचर से संपर्क करें, अपनी समस्या जो भी है उसको टीचर से सॉल्व कराएं और आगे के करियर के लिए वो लगातार पढ़ें, लगातार संघर्ष करें जिससे वो आगे बढ़ते रहें। आपके उद्देश्यों को जानकर बहुत खुशी हुई और आप हमारे टॉक शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, पांडे क्लासेज के डायरेक्टर ब्रजेश पांडे जी ने हमारी सहयोगी चांदनी साहू को बताया कि प्रयागराज में कोचिंग तो बहुत है लेकिन उनका काम धन उगाही का है, लेकिन पांडे क्लासेज अच्छी शिक्षा और सिलेक्शन के ऊपर अच्छी सुविधाएं देता है। पांडे क्लासेज का उद्देश्य धनार्जन करना नहीं है, गरीबों को और मेघावी छात्रों को
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है पांडे क्लासेज में। ब्रजेश पांडे ने यह भी बताया कि आज शिक्षा का स्तर, शिक्षा का ट्रेंड एकदम पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसमें ऑनलाइन ने प्रवेश कर लिया है। फिर भी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल और नेट नहीं है, उनका कोर्स पिछड़ता जा रहा है, लेकिन आज की मांग यही है जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेज जो है बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ रही है। आगे भी हम आपको प्रयागराज के ऐसी हैसियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी।